हरियाणा के करनाल में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह कर रहे किसानों पर भाजपा सरकार का कायराना हमला उसके असली चेहरे को बेनकाब करता है। ये हमला सिर्फ सत्याग्रही किसानों पर नहीं है बल्कि देश के लोकतंत्र पर भी है। यह सारे देशवासियों की उम्मीदों और अरमानों पर हमला है। यह हमला हमें अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाने वाली घटना की याद दिलाता है। बड़ी बेशर्मी से किसानों का सिर फोड़ने के लिए सरकारी अधिकारी आदेश देते हुए कह रहा था, यहां से इससे कोई भी जाएगा वहां, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर फोड़ देता हूं। कहां की है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूं, कितने लग पा कोई डाउट मारोगे कोई जाएंगे इसको बीच करके सीधे उठा उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसकी शह पर उसके अंदर इतनी हिम्मत आई है। किसानों के साथ हुई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही पर श्री राहुल गांधी जी ने लिखा है कि देश का अन्नदाता अपना खून बहाने से नहीं डरता, लेकिन अब ये सत्याग्रह एक अलग स्तर पर होगा, एक नया जोश, एक नया उत्साह। अहिंसा से अन्याय को हरा कर रहेंगे। रोक सको तो रोक लो, कृषि कानून वापस लो। हम सभी को मालूम है कि चाहे राज्य की खट्टर सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, दोनों ही किसानों की बराबर की दुश्मन है। एक सरकार किसानों पर जबरन तीन काले कृषि कानून थोपती है तो दूसरी सरकार सत्याग्रही किसानों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करवाती है। हरियाणा में जिस तरह से भाजपा सरकार ने सत्याग्रही किसानों पर कायराना हमला करवाया है उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसान अपना खून और पसीना बहाने से न कभी डरा है न डरेगा। यह बात सरकार जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा। हर हाल में काले कृषि कानून वापस लेने ही होंगे।